अल्लाह की ओर से, आप सब की ओर से मैं चाहूँगा कि उनका विधिवत स्वागत। अतिरिक्त सचिव महोदय से मैं अनुरोध करूंगा, संयुक्त शासन सचिव श्रीमान इकबाल खान जी से आरुषि मलिक जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। मैं इकबाल खान साहब से हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय श्रीमान सुदर्शन से भी सबको पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत। आज हमारे शासन सचिव महोदय का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त आयोग श्रीमान राजेंद्र मकर साहब का पुष्पगुच्छ भेंट कर विधिवत स्वागत करें। हिसाब से अपना आशीर्वचन हमें राज्यस्तरीय स्वच्छता दिवस के उपलक्ष में स्वच्छता पर्व पर हमारे मनलाल राणा ये स्वच्छता रही है जिन्हें मान श्री धन्नालाल माली, नवल किशोर सैनी, विजेंद्र सिंह, मैं नाम बोल रहा हूँ, आप प्लीज पधारते हैं। चलो चलो चलते रहो चलते रहो। सोहनलाल चौधरी, श्यामलाल शर्मा, महेंद्र सिंह, श्रीमती विमला देवी, श्री गोविंद राम दास, मल्ला राम पटेल, दुकान आ रही है, राजेश जादौन, हरिओम सिंह, मोहन गिरिजेश, वैष्णव नरपत सिंह, क्षिति मीना, राजूराम, मणिलाल राणा, गतिलाल, दयाराम, श्री मूलाराम कछवा, श्री भवनलाल जानू, श्री राजकुमार, श्री शिवप्रे, श्रीमती विमला देवी, श्री नंदलाल मेघवाल, श्री मनोहर सिंह, श्री बलवीर शर्मा, श्रीमती सुमन, श्रीमती सुप्रिया, श्री मनिया, श्री अमर सिंह कसाना, श्री मान सिंह मीणा, श्रीमती रामदुलारी, श्रीमती लक्ष्मी देवी, श्री जीवराज सिंह, श्रीमती मंजू शर्मा, श्री सुरजाराम। कुछ नहीं, शांति। मुख्य अतिथि श्री सेठी जी, निदेशक स्वच्छता मिशन मैडम आरुषि जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथि, राजस्थान प्रदेश के सभी जिला प्रमुख बनो, प्रधान सचिवान, सरपंचगण, उपस्थित नागरिक बंधु, मीडिया जगत के मेरे साथ, सबसे पहले मैं माननीय राठौड़ साहब का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे ऐसे सम्मान समारोह में जिस आप लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में रहकर स्वच्छ भारत मिशन, जो प्रधानमंत्री जी का विजन, मुख्यमंत्री जी का विजन और पट्टा अभियान, इन दोनों कार्यक्रमों में आपकी दक्षता और योग्यता के आधार पर आज सम्मान समारोह में आप सबको आमंत्रित किया है और मुझे आप सबके दर्शन करने का मौका दिया है, इसलिए मैं राठौड़ साहब का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आदरणीय राठौड़ साहब को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने जो भी हेतु आपको दिया है, चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग के आप, चिकित्सा विभाग के आप माननीय मंत्री भी रहे हैं और अभी पंचायत राज के आप ऐसे लोकप्रिय मंत्री हैं जिन्होंने देश में प्रथम, आज से ठीक 38 साल पहले मैं सरपंच बन गया था और 15 साल तक मैं सरपंच रहा था। एक बात मैं समझ में आई, विकास और पंचायत राज की निश्चित रूप से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विजन ग्राम स्वराज का जो था, उस ग्राम के स्वराज सपने को पूरा करने के लिए
अभी लोकतंत्र में दो ही संस्थाएं हैं, एक तो लोकसभा है और दूसरी ग्रामसभा है। हमारे पंचायत राज अधिनियम इतने हर आपको दिए गए हैं। स्वच्छ भारत दिवस है, जो शुभ कार्य होते हैं उसका अक्षर मिलता है। इस पवित्र दिन पर जिन दिन मनों को आविष्कृत किया गया है, लंबित किया गया है, जिन्होंने इस राजस्थान के अंदर स्वच्छता के अंदर गरीब को वैधानिक काम मिले से पटी है मित्र में, और उसके साथ साथ में उस सारे स्वयं सेवी संगठनों को सब को स्वीकृति दिलानी चाहिए। और मुझे कहते हैं सत्ता कहाँ कभी राष्ट्र रोजगार योजना भी हम पूरे देश के अंदर में प्रतिशत हैं, हमने 97 करोड़ ये फिगर हाथ नहीं आया, 97 करोड़ खरीदने का काम किया है, और 6,40,000 काम इसमें हम देखे हमें। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या अंदर संपूर्ण निर्माण और योजना के अंदर राष्ट्र स्तर पर पुरस्कार मिला, ये छोटी बात नहीं। राज्य आयोग से भी 44,000 काम पूरे हैं, केंद्र सरकार से 3,28,000 काम पूरे हैं। इस सारे कामों को समग्र रूप से आप जोड़ करके तो मैं कहता हूँ राजस्थान के ग्रामीण विकास से एक नई अंक का स्वाद है, और ये चार लोगों एक गांव का आयोजन सभी आवाजी ग्रुप मेरे आप उस चीज पर पधारना है एवं मेरे आप सबसे जो शेयर इससे आप वापस नहीं आए। निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश में पंचायत राज विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार का काम आज़ादी के पहली बार ग्रामीण पट्टा वितरण जो अभियान चला है, इसमें कई वर्षों से लोगों को किया गया विभाग की तरफ से, विभाग को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ये बहुत अच्छी पहल है और इस पहल से निश्चित रूप से सरपंचों में, प्रधानों में, प्रमुख में एक उत्साह बढ़ेगा, और उत्साह बढ़ने के कारण से और अधिक सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए ये जनप्रतिनिधि हमारा काम करेंगे। वैसे भी आप जानते हो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी एक विजन था, ग्रामीण स्वराज का जो सपना था, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे राजस्थान भर में ग्रामीण स्वराज का जो सपना था उसको साकार करने का काम भी पंचायत विभाग के साथ साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। आज के इस मौके पर मैं, क्योंकि पंचायत राज संस्थाएं हमारे अतीत से ही काफ़ी सम्मानित रही है, सम्मानजनक रही है, और सारा ग्रामीण भारत गाँव में बसता है, इसलिए मैं समझता हूँ इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन बहुत सराहनीय कदम है। चुनाव से ठीक उन सबको आज सम्मानित करने का काम हमने ग्राम स्वराज दिवस पर किया है। राजस्थान को गौरव है देश के अंदर सबसे पहले ODF होने का, निरंतर 2 साल तक सर्वाधिक शौचालय बनाने का, और नरेगा के अंदर राजस्थान ने अब तक इस वर्ष में 3रा स्थान प्राप्त किया है। समग्र रूप से अब तक राजस्थान 4थे स्थान पर रहा। हमने लगभग 60,000 करोड़ रुपये इन 5 सालों में प्रावधान किया है ग्रामीण विकास के लिए, जो भूतों भविष्य है। पट्टा वितरण अभियान के अंदर जिन लोगों ने सर्वश्रेष्ठ कार्य किया उन लोगों ने रीवैलिडेशन करने का अधिकार, म्यूटेशन करने का अधिकार, लैंड यूज चेंज करने का अधिकार भी ग्राम पंचायतों को हम दे रहे हैं। इन सारे कामों के लिए आज पूरे प्रदेश भर से जिला प्रमुख, पंचायत समिति के प्रधान और सरपंचगण यहाँ आए हैं। हम सबको बधाई देने आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कृषि मंत्री जी को कि जो कि पूर्व में अपने राजनीतिक जीवन को सरपंच से प्रारंभ किया था, इनसे योग्य आज अध्यक्ष हो नहीं सकता था, इन्होंने हमारे बैठक की अध्यक्षता की। धन्यवाद देना चाहूँगा।